नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आपका इस अद्भुत गेम शो में जिसका नाम है लॉ ऑफ डॉट्स। कैसे हैं बच्चों आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो आज इकट्ठे होने का पर्पस है कि भाई लॉ ऑफ डॉट्स को रिवाइज किया जाए। ठीक है, तो भाई साहब कैसे हो? बहुत दिनों के बाद आया हूं, कैसे हो? चलो, सो डॉट्स का मतलब क्या होता है भाई? डॉट्स का मतलब तो ना मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया था जब मैं कक्षा पांचवी में था। कैसे बच्चों, हम लोग ना अपनी आंटी के यहाँ पे गए थे और आंटी के यहाँ पे ऐसे सब आंटी लोगों की पंचायत चल रही थी और मेरी मम्मी भी थी वहां पे। ठीक है, तो मेरी मम्मी थी और वो एक चेयर रखी थी वहां पे। मेरी मम्मी उस चेयर पे बैठना चाहती थी। मेरी मम्मी जैसे ही उस चेयर में बैठने को की, मैंने पीछे से चेयर हटा दी। मेरी मम्मी धड़ाम से नीचे गिर गई। बच्चों उस दिन मुझे समझ में आ गया कि टॉर्च जैसी कोई चीज तो होती है। तो मेरी मम्मी ने जोर से चिल्लाए, कहा क्यों टॉर्चर कर रहा है लवी मेरे को? मेरे घर का नाम लवी था। अब बच्चों जो मैंने हरकत की है, खैर मैं बच्चा था वो बात अलग है, या मान लीजिए मैं 18 साल का वयस्क भी होता, तो अगर मैंने जो हरकत की है चेयर पीछे हटाने की, अब मुझे बताइए उस हरकत के लिए क्या आप मुझे जेल में डाल देंगे? क्या मैंने कोई बहुत संगीन अपराध किया है? क्या मेरी नियत में अपराध करना था? मेरी इंटेंशन थी कि मैं अपराध करूं? हाँ जी बच्चों बताइए। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, मेरी नियत बिल्कुल अपराध करने की, तो मैं तो मस्ती कर रहा था। लेकिन मेरी मस्ती के चक्कर में मेरी मम्मी को बहुत जोर से क्या लगी? चोट लगी। ठीक है, हाँ या ना? करेक्ट है बच्चों। बस एक चीज याद रख लीजिए, कई बार हम लोग बिना खराब नियत के, हमारी नियत गलत नहीं होती बट हम कर कुछ गलत देते हैं। तो बिना खराब नियत के जो गलत काम हम कर देते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, उसे चोट लग जाती है, ऐसी हरकतों को हम क्या कहते हैं? टॉर्ट, ऐसी हरकतों को हम टॉर्ट कहते हैं। ठीक है, टॉर्ट क्या है? फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड रॉन्ग, मतलब इंग्लिश में अपन उसको क्या बोलते हैं? रॉन्ग। और उसको फ्रेंच में हम क्या बोलते हैं? टॉट। सो टॉट बेसिकली कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। और टॉट शब्द का जो जन्म हुआ है वो एक लैटिन वर्ड से जन्म हुआ है जिसको हम बोलते हैं टॉर्टम। और बच्चों हमारी भाषा में टॉट को कहते हैं, हम लोग जो बोलते हैं टॉट को, हम बोलते हैं एक प्रकार का सिविल रॉन्ग। ठीक है, सो हम लोग टॉट को क्या बोलते हैं? एक प्रकार का सिविल रॉन्ग। देखिए रॉन्ग दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग और एक होता है सिविल रॉन्ग। मैं क्रिकेट का बल्ला लेके घर से निकला और मैंने कसम खाई है कि तेरे को आज छोड़ूंगा नहीं, कुत्ते के बच्चे कौन पी जाऊंगा तेरा, और बैट उठा के मैंने अपना बल्ला उठा के आपके सर पे दे मारा। मेरी नियत खराब थी, मेरे को आपसे बदला लेना था, मैंने बल्ला आपके सर पे दे मारा। ये क्रिमिनल रॉन्ग है, ये सिविल रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहां पे मेरी नियत ही खराब थी। अब बच्चों मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और मैंने पीछे जोर से घुमा के छक्का मारा बच्चों, एकदम जोर से शॉट मारा, सामने फील्डर खड़ा था, खटाक से बॉल उसके यहां पे पड़ी और इतनी जोर से बॉल पड़ी बच्चों कि वो लेट गया जमीन में और उसको बहुत भयंकर चोट लग गई। ठीक है, यहां पे मेरी नियत खराब थी क्या बच्चों? नहीं, यहां पे तो मेरी नियत बिल्कुल भी खराब नहीं थी, बिल्कुल भी मेरी नियत खराब नहीं थी। इस केस में जो मैंने गलती की है या इस केस में मेरी कारण जो दूसरे व्यक्ति को परेशानी हुई है, दैट कैन अमाउंट टू टॉट। ठीक है, तो समझिए बच्चों, मैं एकदम सही साइड से गाड़ी चला रहा हूं, एकदम अच्छे से गाड़ी चला रहा हूं बच्चों, कार चला रहा हूं, बहुत अच्छे से कार चला रहा हूं, पूरे सारे नियमों का पालन करके मैं कार चला रहा हूं। ठीक है, सो आई एम फॉलोइंग ऑल द लॉज, सारे नियम का पालन कर रहा हूं, सब चीजों का पालन करके मैं एक गाड़ी चला रहा हूं। ठीक है, अब जब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो सामने से एक आदमी दारू पी के आ रहा है, रॉन्ग साइड से आ रहा है और उसने मुझे ठोक दिया। मेरी कार को तो कुछ नहीं हुआ बट उस आदमी को चोट लग गई। बच्चों इस केस में भी वो क्या कहला सकता है? टॉट कहला सकता है, क्योंकि मेरी खराब नियत नहीं थी, चोट उसको लगी, उसकी गलती लगी, बट दैट कैन अमाउंट टू टॉट। और सरकार मुझे बोल सकती है कि दुष्यंत उसको डैमेजेस पे करो। सो बच्चों समझ में आ रहा है टॉट का मतलब क्या है? सो टॉट बेसिकली मीन्स, टॉट का मतलब होता है एक प्रकार का सिविल रॉन्ग, नॉट क्रिमिनल रॉन्ग। लेकिन आप एक चीज याद रखना, सारे सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होते। मैं बोल रहा हूं आपको एक चीज आप याद रखिए, सारे सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होते, ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉट।
ठीक है, सिविल रॉन्ग टॉट होते हैं, बट सारे सिविल रॉन्ग जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है बच्चों, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज नॉट टॉट, क्योंकि अगर आप मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने किसी से प्रॉमिस किया है और उस वादे को मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया, क्या कर दिया, मैंने वादे को तोड़ दिया, तू वादा ना तोड़, तू वादा ना तोड़, सामने वाले ने मेरे को बोला बट मैंने उसका वादा तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ठीक है, मैंने आपसे पूरे पैसे ले लिए बट आपका सिलेबस ही खत्म नहीं कराया, ठीक है, मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ये टॉट नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब जब आप विश्वासघात करते हैं, तो विश्वासघात जब आप करते हैं तो ये भी अलग अलग लॉस के अंदर क्या होता है, पनिशेबल होता है, ठीक है, सीपीसी में पनिशमेंट्स दी गई हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। तो सारे सिविल रॉन्ग ब्रीच ऑफ, सारे सिविल रॉन्ग टॉट है, नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये दोनों सिविल रॉन्ग है बट ये टॉट नहीं है। हाँ, इसके अलावा जितने भी सिविल रॉन्ग है वो टॉट की श्रेणी में आ सकते हैं। Is that clear? तो सबको समझा क्या टॉट क्या है? सर दुष्यंत, सर दुष्यंत, सर हमको कुछ एग्जाम्पल दे दो ना टॉट के। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, आपको टॉट के बहुत अच्छे एग्जाम्पल देता हूं। सो एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको टॉट का। एक मेरा स्टूडेंट आया, ठीक है, और वो एग्जाम में AIR 1 रैंक लगाया उसने, मेरे एक स्टूडेंट ने, लेकिन उसने अपना रिजल्ट अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। अब वो एकदम उछलते कूदते आता है, दुष्यंत सर, दुष्यंत सर, दुष्यंत सर, दुष्यंत सर। मैंने बोला बोल क्या हुआ, क्या हुआ? सर मुझे मेरा रिजल्ट बताओ ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपने रिजल्ट के लिए। दुष्यंत सर मैं चाहता हूं मेरा रिजल्ट आप ही देखो। मैंने रिजल्ट देख लिया है, मुझे पता है कि उसका रैंक 1 है, बट मैं उससे क्या बोलता हूं, भाई तू फेल हो गया है, तू फेल हो गया है, सॉरी। जैसी उसने ये बात सुनी उसको नर्वस शॉक हो गया। क्या हो गया उसको? नर्वस शॉक बच्चे, उसको सदमा लग गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। दैट इज अ टॉट, ठीक है। मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैं तो उसके मजे ले रहा था, मुझे नहीं पता था मेरे करने से उसके साथ ऐसा हो जाएगा, बट मेरे कारण उसको सदमा लगा, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। दैट इज अ टॉट, याद रखिए। चलिए ठीक है, सो सिंपली स्टेटेड टॉट का मतलब होता है रॉन्ग, बट हर एक रॉन्ग टॉट नहीं है। टॉट एक सिविल रॉन्ग का टाइप है, क्रिमिनल रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। क्रिमिनल रॉन्ग मैंने आपको बताया, क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है, आपकी नियत ही खराब होती है क्रिमिनल रॉन्ग में। अच्छा याद रखिएगा, टॉट को कहां पे डिफाइन किया गया है, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। टॉट शब्द को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन M ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, याद रखिए। टॉट शब्द को कहां पे डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन M ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है। क्या बोला गया है इसमें कि भाई टॉट एक सिविल रॉन्ग है, टॉट एक सिविल रॉन्ग है, टॉट एक सिविल रॉन्ग है। सुन लो भाइयों बहनों, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे राहगीरों, सुनो मेरे रहनुमाओं, सुनो, टॉट एक सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, टॉट सिविल रॉन्ग है, बट ये एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग लॉज है जिसके अंदर सजाओं का प्रोविजन बनाया गया है, ठीक है। नाउ जब इंटेंशन नहीं है खराब पर किसी को पहुंचा दिया है आपने नुकसान, वही टॉट कहलाता है साहब। इंटेंशन नहीं है खराब, किसी को पहुंचा दिया है नुकसान, वही टॉट कहलाता है साहब। Is that clear? So, याद रखिएगा, हर एक सिविल रॉन्ग टॉट है, बिल्कुल भी नहीं, हर एक सिविल रॉन्ग टॉट नहीं है। टॉट इज अ स्पीशीज ऑफ सिविल रॉन्ग, स्पीशीज का मतलब होता है टाइप, सिविल रॉन्ग का एक टाइप है टॉट, ठीक है। लैटिन वर्ड कौन सा है, कोई कौन सा लैटिन वर्ड है जिससे टॉट शब्द की उत्पत्ति हुई है, टॉर्टम, 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 टॉर्टम। चलिए अब बच्चों, आपने मेरे साथ कुछ तो गलत किया है, ठीक है, आपने आपने मेरे साथ कुछ तो गलत किया है, मुझे लगता है कि आपने मेरे साथ टॉट किया है। मैं ना क्लास में पढ़ा रहा था और मैं अच्छे से पढ़ा रहा था, 50 बच्चे बैठे थे मेरे सामने,
ये बच्चों ने क्या किया, मेरे को क्लास में छोड़ दिया और मैं पढ़ाई रहता हूँ, बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए, मेरे पास मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाद बाहर से लॉक भी कर दिया और चले गए, मुझे छोड़ गए। मुझे छोड़ के चले गए। 2 दिन तक मैं क्लास में सड़ता रहा, भूखे पेट, प्यासे पेट में आग पड़ा रहा। मेरे घर वालों को भी कोई चिंता नहीं, घर वाले तो खुश हैं, भाई पति जो है या हमारे पिताजी जो है वो पैसे छाप रहे हैं, हमारे भाई पैसे छाप रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा किसी को भी। मैं 2 दिन यहां छोड़ता रहा, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए। अब मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। 2 दिन के बाद आए और बोलते अप्रैल फूल बनाया। 2 दिन के बाद आके मुझे बोलते हैं कि सर हमने तो आपको अप्रैल फूल बनाया। मेरा साथ बहुत गलत किया है तुम लोगों ने, छोड़ूंगा नहीं तुमको। सो अब मेरे साथ तुमने क्या गलत किया? तुमने तो बोल दिया अप्रैल फूल बनाया, मजाक किया है तुमने। तुम तो कोर्ट में, अगर मैं तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करूं, तुमने मुझे एक जगह पे बंदी बना के रखा तो तुम छूट जाओगे, बोले हम तो हमारे टीचर का मजाक कर रहे थे। तो अब मुझे तुम्हारे अगेंस्ट मान लो एक्शन लेना है, किसमें? टॉर्ट में एक्शन लेना है, ठीक है। सो अब ध्यान से देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर टॉर्ट के केस में यानी टॉर्ट का केस फाइल करना चाहता है, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति टॉर्ट का केस फाइल करना चाहता है तो क्या शर्तें उसे पूरी करनी पड़ेंगी? अच्छा, और एक और चीज बता दूं, टॉर्ट कोई अलग से लॉ नहीं है, टॉर्ट इज अ कॉमन लॉ जो कोर्ट्स फॉलो करते हैं। टॉर्ट के अंदर रेमेडीज कोर्ट देते हैं, टॉर्ट कोई एक्ट नहीं है कि टॉर्ट एक्ट 2572 या 1972, ऐसा कोई लॉ नहीं है। टॉर्ट इज अ कॉमन लॉ, इन प्रिंसिपल्स के आधार पर कोर्ट आज भी डिसीजन सुनाते हैं। तो क्या शर्तें उसे पूरी करनी होंगी, किसे पूरी करनी होंगी? जिस व्यक्ति को, तो मैं अग्री पार्टी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं दर्द में हूं, ठीक है, मेरा कोई हमदर्द नहीं है, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, जिन बच्चों से मैं प्यार करता था वही बच्चे मेरी लगा के चले गए, अब मुझे उनके खिलाफ कहां जाना है? कोर्ट जाना है। अब जब कोर्ट जा, अच्छा मैं, अच्छा सुखी पार्टी हूं, मैं दुखी पार्टी हूं, मैं ना अग्रीव्ड पार्टी हूं भाई साहब, मैं अग्रीव पार्टी हूं, हाँ, और मुझे आपके खिलाफ ना केस करना है, तो जब मैं केस करूंगा तो मैं कोर्ट में क्या कहलाऊंगा? बोलो बोलो क्या कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा प्लेंटिफ। व्हाट आई विल बी रेफर्ड एज? आई विल बी रेफर्ड एज अ प्लेंटिफ जब मैं कोर्ट जाऊंगा तो, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या चीजें, क्या क्या कंडीशंस मुझे फुलफिल करनी है जब मैं आपके खिलाफ क्या करूं, कोर्ट जाऊं, मुझे एक्शन लेना है, मुझे, मैंने कोर्ट में साबित करना है कि मेरे साथ टॉर्ट हुआ है, मुझे रेमेडी चाहिए कोर्ट के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे कोर्ट में जाके साबित करना पड़ेगा देयर इज अ रॉन्गफुल एक्ट। सबसे पहले मुझे कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है वो टॉर्ट है और लॉ के हिसाब से वो सजा देने योग्य है। सो सबसे पहली चीज जो मुझे कोर्ट में प्रूफ करनी पड़ेगी वो चीज ये है कि समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन टू मी, मेरे साथ कुछ तो गलत किया गया है, ठीक है। दूसरा, तो सबसे पहले मैंने क्या प्रूफ करना है कि मेरे साथ क्या हुआ है, रॉन्गफुल एक्ट। प्लस दूसरी चीज मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी कि जो रॉन्गफुल एक्ट मेरे साथ हुई है, जो गलत काम मेरे साथ हुई है, उस चीज से मुझे लीगल डैमेज हुआ है। मतलब रॉन्गफुल एक्ट has resulted in legal damage, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं कोर्ट में प्रूव कर दूंगा कि there has been a wrongful act with me, मेरे साथ किसी ने, मेरे स्टूडेंट ने मेरे साथ क्या किया, टॉर्ट किया। और दूसरी चीज मुझे उसके बाद प्रूफ करनी पड़ेगी कि जो उन्होंने मेरे साथ किया है उसके चलते मुझे एक नुकसान हुआ है, और नुकसान ऐसा हुआ है कि लीगल नुकसान है, मतलब लॉ के हिसाब से वो नुकसान हुआ है। तो जब आप डैमेजेस की बात करते हैं तो 2 चीजें आपको याद रखना है। पहला क्या है? पहला है डैमनम साइन इंजूरिया और दूसरा है इंजूरिया साइन डैमनम, ठीक है। तो डैमनम साइन इंजूरिया
इसमें क्या होता है, इसमें देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में कहूं तो डेमनम साइन इंजूरिया कानून के हिसाब से यहां पर आपको नुकसान नहीं है और यहां पे आपको नुकसान है, मतलब कुल मिला के डेमनम साइन इंजूरिया लॉ मानता है कि आपको लीगल डैमेज नहीं है और यहां पे लॉ मानता है कि आपको लीगल डैमेज है, ठीक है। सो ध्यान देखिए, सो यहां पे देखिए पहला क्या था, डेमनम साइन इंजूरिया, डेमनम साइन इंजूरिया, अगर डेमनम साइन इंजूरिया का केस है तो आपको कोर्ट से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। द वर्ड डेमनम मीन्स लॉस और हार्म इन मनी कंफर्ट हेल्थ एंड इंजूरिया मीन्स ब्रीच ऑफ राइट, ठीक है। सो डेमनम साइन इंजूरिया में क्या हो जाएगा, आपको मनी हेल्थ या कंफर्ट में नुकसान है, ठीक है, बट नो ब्रीच ऑफ लॉ, याद रखिए। किसमें बच्चों, डेमनम साइन इंजुरिया में आपको मनी, क्योंकि डेमनम का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ कंफर्ट, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ हेल्थ, मतलब परेशानी हुई है आपको, बट कोई कानून टूटा नहीं और इंजूरिया साइन डेमनो में इसका जस्ट ऑपोजिट, इंजूरिया साइन डेमनो में देयर इज अ ब्रीच ऑफ लॉ, इंजूरिया देयर इज अ ब्रीच ऑफ लॉ, देयर मे और मे नॉट बी लॉस ऑफ मनी हेल्थ और बाकी चीजें। सो डेमनम साइन इंजुरिया में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन डेमनम साइन इंजुरिया, डेमनम साइन इंजुरिया में हो सकता है मेरा एक्चुअल में पैसे का नुकसान हो रहा है, मेरी मेरे कंफर्ट का नुकसान हो रहा है, मेरी हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन कोर्ट बोलता है कि ठीक है आपके पैसे का नुकसान हो रहा है, आपकी हेल्थ का नुकसान हो रहा है, बट कोर्ट ये मानता है कि सामने वाले ने कोई लॉ का उल्लंघन नहीं किया है, ठीक है। जैसे यहां पे ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है, याद रखना ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है, डेमनम साइन इंजुरिया बच्चों। अच्छा चलो मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपने शब्दों में, एक प्यारा सा एग्जांपल बच्चों। एक लड़की है जिसका नाम है सुंदरी और उस सुंदरी से तुम्हारा ये गुरुवर बेपनाह इश्क करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, मोहब्बत के अल्फाजों में डूब जाता है। उसको देख के, सुंदरी को देख के मैं ये बोल लेता हूं, ना निकला करो ईद के बाहर, ईद के दिन मस्जिद के बाहर से, ना निकला करो ईद के दिन मस्जिद के बाहर से, लोग तुम्हें देख के, लोग तुम्हें देख के अपना रोजा तोड़ देंगे और इस चीज से नाराज होकर खुदा, इस चीज से नाराज होकर खुदा तुम्हारे जैसे मुखड़ों को बनाना छोड़ देंगे, मैं सुंदरी से इस कदर मोहब्बत करता था और बहुत प्यार करता था बच्चों, बहुत प्यार करता था, ठीक है। लेकिन मेरा दोस्त था जिस दोस्त का नाम था सोपान, सुंदरी को मेरी आंखों के सामने मेरा दोस्त सोपान पटाखे ले गया और मेरे सामने दोनों आइसक्रीम खाते हैं एक ही स्कूप में। लॉस ऑफ कंफर्ट है, लॉस ऑफ इमोशनल है, एंगर है, सब कुछ है। क्या मैं सुपान, मेरा जो दोस्त है उसके खिलाफ मैं कोर्ट जा सकता हूं? नहीं जा सकता, ठीक है। मुझे कंफर्ट में नुकसान है, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, बट लॉ के हिसाब से सुपान मेरा जो दोस्त है उसने मेरा कोई भी लीगल डैमेज, मेरा कोई भी लीगल नुकसान नहीं किया। इज दैट क्लियर? मेरी कोचिंग क्लास है, नंबर वन कोचिंग क्लास है, 5 करोड़ रुपए साल के मैं कमाता हूं, एग्जाम्पल है, ठीक है। रियलिटी में मैं 500 करोड़ कमाता हूं, ठीक है। तो मेरी कोचिंग क्लास है, 5 करोड़ रुपए मैं कमाता हूं और मैं सीएस एग्जीक्यूटिव की 1 लाख रुपए फीस चार्ज करता हूं, ठीक है। मेरे बगल में एक बंदे ने कोचिंग क्लास खोल ली, उसकी कोचिंग क्लास के खुलने के चलते मेरी जो इनकम थी, जो 5 करोड़ की इनकम थी, वो आ गई 50 लाख पे।
मेरी 5 करोड़ की इनकम कितने पे आ गई? 50 लाख पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि मेरे बगल में एक बंदे ने कोचिंग क्लास खोल ली। क्या मेरे को मॉनेटरी लॉस हुआ है? यस। मेरे को कंफर्ट लॉस हुआ है? यस। सब बहुत सारी चीजों का लॉस हुआ है मुझे, बट क्या मैं उसके खिलाफ कोर्ट जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, क्योंकि क्योंकि जो सामने वाला कर रहा है, कोचिंग क्लास ला रहा है ना, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कोचिंग क्लास लाना। तो मेरा यहाँ पर कोई भी मतलब लॉ के हिसाब से मेरा यहाँ पे कोई भी लीगल डैमेज नहीं हुआ है, ये ध्यान रखते हैं। इस प्रिंसिपल को मैं बोलता हूँ डेमनम साइन इंजुरिया। देयर मे बी डैमेज टू यू, आपको डैमेज हुआ है, आपको नुकसान हुआ है, बट लॉ बोलता है कि आपको कोई इंजुरी नहीं हुई है, आपको आपका कोई लीगल राइट या सामने वाले ने आपके लीगल राइट को तोड़ा, सामने वाले ने कोई लॉ का उल्लंघन किया नहीं है। चलिए, सो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया इंजूरिया साइन डेमनम। इंजूरिया साइन डेमनम, देयर इज एन इंजुरी, देयर इज एन इंजुरी, देयर मे और देयर मे नॉट बी डैमेज। मतलब आपको आपका लीगल राइट ब्रीच हुआ है, मेरा लीगल राइट ब्रीच हुआ है, हो सकता है मुझे लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ कंफर्ट, लॉस ऑफ हेल्थ ना हुआ हो, बट स्टिल लॉ मानता है कि नहीं, तुम्हारा लीगल डैमेज हुआ है और तुम कोर्ट जा सकते हो रिलीफ मांगने के लिए। अच्छी बात है। सो एग्जांपल के लिए, फॉर एन एग्जांपल, लिसन टू मी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंजूरिया साइन डेमनम। अब बच्चों, मेरी एक जमीन है, खेत है, एक बहुत अच्छा खेत है, या खेत भी छोड़ दो, बंजर जमीन है मेरी, 10 एकड़ की जमीन है और वो शहर के बाहर, पूना के बाहर रखी हुई है, ठीक है। और बच्चों उस जमीन का मेरे को कोई काम नहीं है, मतलब मेरे लिए तो फालतू जमीन है, मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़ के गए थे, ठीक है। उस जमीन पे रोज रात को 11 बजे 25 बच्चे आते हैं, कितने? 25 बच्चे आते हैं, बढ़िया आते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और बढ़िया वहीं पे रहते हैं और सुबह 6 बजे वहां से चले जाते हैं, 6 घंटे रहते हैं वहां चले जाते हैं। अब बच्चे वो जमीन बंजर है, मेरे किसी काम की नहीं है, बेचारे इतने अच्छे बच्चे पूरा साफ सफाई करके चले जाते हैं, सब कुछ अच्छे से करके जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या वो लोगों के ऐसा करने से मुझे कोई नुकसान हो रहा है? क्या मेरे को पैसों का नुकसान हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरा कंफर्ट जा रहा है? नहीं। मेरी हेल्थ को खराब हुआ है, मेरी हेल्थ खराब हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब उनके ऐसा करने से मुझे एक्चुअली में कोई डैमेज नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बट स्टिल लॉ मानता है कि नहीं, अगर किसी की जमीन पे कोई ट्रेसपास करे, ट्रेसपास मतलब बिना परमिशन के अगर वहां पे आके रुक रहा है उस जमीन पे, तो इसको लॉ मानता है कि नहीं, यहां पे लीगल डैमेज है, देयर इज अ लीगल डैमेज इन दिस केस। एग्जाम्पल नंबर टू, आज वोट डालने का दिन है, आज लोकसभा इलेक्शन में वोट डालना है, ठीक है। अब मुझे बताइए बच्चों, मैं वोट डालने गया, मैं वोट डालने गया। जब मैं वोट डाल रहा था तो मुझे एक बंदा आता है और बोलता है, नहीं आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है, आपका जो इलेक्शन आईडी कार्ड है वो वैलिड नहीं है। सॉरी बच्चों, तो मुझे वोट डालने से रोक दिया, मैं वोट डाल रहा था बट मुझे वोट डालने से रोक दिया गया। बच्चों मैं क्या करता? मैंने गिड़गिड़ाया, बाबूजी मुझे वोट डालने दे दो, बाबूजी मैं बहुत गरीब हूं, बाबूजी मुझे वोट डालने दो प्लीज, बाबूजी। सामने वाले मेरा कान पकड़ा और मुझे वहां से निकाल दिया। मेरे एक वोट से क्या सरकार बन सकती थी, सरकार गिर सकती थी? नहीं पता मुझे। मुझे वोट डालने नहीं दिया तो क्या मेरे को मॉनिटरी नुकसान हुआ, मेरी हेल्थ को नुकसान हुआ, मेरे कंफर्ट को नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। बट स्टिल लॉ मानता है, बट स्टिल देयर इज अ ब्रीच ऑफ राइट, देयर इज अ ब्रीच ऑफ राइट, इंजूरिया साइन डेमनम। भले मुझे कोई डैमेज नहीं हुआ है बट स्टिल मैं कोर्ट मानता है, लॉ मानता है कि देयर इज अ लीगल डैमेज और मैं टॉर्ट में क्या ले सकता हूं, एक्शन ले सकता हूं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? सो ये दो चीजें आपको समझनी होगी, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू हियर, इंजूरिया साइन डेमनो, डेमनम साइन इंजूरिया। उसके बाद तो अगर आपको टॉर्ट में एक्शन लेना है तो मैं बता दूं सबसे पहले क्या होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट, उसके बाद लीगल डैमेज। लीगल डैमेज में दो चीजें, डेमनम साइन इंजूरिया,
इंजुरी असाइन डेमनो। तो यहां पे आपको कोई, यहां पे आपका जो टॉर्ट का एक्शन है, अगर ये वाला केस है तो आपका टॉर्ट का एक्शन खत्म हो जाएगा, यहां पे आप चालू रहेगा। ठीक है, अब आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि भाई आपको नुकसान है, आपको नुकसान है मतलब आपको लीगल डैमेज मिलना चाहिए, बिकॉज आपने ये वाला केस प्रूफ कर दिया कि देयर इज इंजुरी असाइन डेमनो। ठीक है, तो पहली कंडीशन भी आपने फुलफिल कर दी, दूसरी कंडीशन भी आपने फुलफिल कर दी, तो आपके साथ गलत तो हुआ है। यस, मेरे को वोट डालने तो दिया नहीं गया, या मेरी जमीन पे कोई आता है 12 बजे और 6 बजे चला जाता है, तो मेरे साथ गलत तो हुआ है। ठीक है, अच्छा इंजुरियस एंड डेमनो के एक और एग्जांपल दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरा एक स्टूडेंट राधे वहां पे बैठ के बोलता है, चार चवन्नी थाली में दुष्यंत जैन नाली में, हर इंसान की गाली में, चार चवन्नी थाली में दुष्यंत जैन नाली में। अच्छा, उसके बोलने से मैं नाली में आ गया क्या? नहीं आया। उसके बोलने से मैं हर एक इंसान की गाली में आ गया क्या? बिल्कुल भी नहीं आया। नहीं आया ना, उसके बोलने से मुझे क्या फर्क पड़ा? मेरे पैसे उतने ही हैं, मेरी हेल्थ भी एकदम बढ़िया है, मेरे को कोई कंफर्ट का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बच्चों क्या ना, इसे उस इंसान ने पब्लिक के बीच में मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है पब्लिक के बीच में। क्या मैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूं? जवाब है यस, इंजुरिया साइन डेमनो। ठीक है, देर इज एन इंजुरी, देर इज अ ब्रीच ऑफ राइट, दो देर इज नो डैमेज, इज दैट क्लियर? अब बच्चों तीसरा, तो आपने दो चीजें प्रूफ कर दी, अब तीसरा जो है, तीसरा आप कोर्ट से रेमेडी मांगेंगे, आपको कोर्ट से कोई मदद चाहिए ना, आपको रिलीफ चाहिए ना कोर्ट से, तो आप कोर्ट से रेमेडी मांगेंगे। नाउ अब जो रेमेडी आप मांगेंगे, वो रेमेडी आपको ऐसी मांगनी चाहिए जो रेमेडी टॉर्ट के अंदर कवर्ड हो। ठीक है, सो मैं मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मांग सकता हूं, डैमेजेस मांग सकता हूं, इंजंक्शन मांग सकता हूं, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे स्टूडेंट को जेल भेज दो, या जिस इंसान ने मुझे वोट डालने से रोका है उसको जेल भेज दो, जो इंसान ने मुझे गाली गलौज किया है, मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, मतलब मुझे डिफेम करने की कोशिश की, उसको जेल डालो। नहीं, टॉर्ट के अंदर जो रेमेडीज है, मतलब आपको टॉर्ट के अंदर, मतलब आपको अगर टॉर्ट के अंदर एक्शन लेना है, आपने ये दो चीजें प्रूफ कर दी, तो जो रेमेडी आपको मांगनी है वो वही रेमेडी मांगनी है जो टॉर्ट के अंदर मिलती है। सो थर्ड विल बी, आपको लीगल रेमेडी मांगनी है, और वही रेमेडी मांगनी है जो किसके अंदर कवर्ड है, जो टॉर्ट्स लॉ के अंदर कवर्ड है। ठीक है, तो ये सब रेमेडी, डैमेजेस मांग सकते हैं, इंजंक्शन, डिटेंशन ऑफ चैटल, सेल्फ डिफेंस, डैमेजेस, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, डोंट बी वरीड। ठीक है, चलिए बच्चे ये हटा दीजिए, ये मेंस रिया इज अ सेपरेट हेडिंग। तो यहां तक इज एवरीवन विद मी, क्या सब लोग मेरे साथ हैं? क्या सब लोग मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपका हाथ मेरे हाथ में है? क्या हम सब साथ में हैं? ओ ओ ओ, आगे बढ़ जाएंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे, हम तुमको अच्छे से पढ़ाएंगे, पढ़ना ही जरूरी है, इसको मजबूरी ना समझो, चलो चलो चलो। मेंस रिया क्या होता है ये मुझको बताओ, जो तुम्हें समझ नहीं आता तो अपने घर पे जाओ। बोलो मेंस रिया क्या होता है? एक ही चीज याद रखना, मेंस रिया का मतलब होता है अगर नियत खराब है तो ही सजा मिलेगी। ठीक है, एक्टस नॉन फेसेट निसी मेंसिट्रिया। ठीक है, इट मींस नो पर्सन शैल बी ट्रीटेड गिल्टी अनलेस ही हैज अ गिल्ट इंटेंशन। किसी भी इंसान को दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसकी नियत में दोष ना हो। ठीक है, लेकिन बच्चे मैंने आपको टॉट, मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि जो टॉट हम पढ़ते हैं, टॉट्स के अंदर आपकी नियत खराब ना भी हो, आपने कोई भी, आपकी नियत में कोई दोष नहीं था, बट स्टिल आपने गलत काम किया, मेरी नियत खराब नहीं थी, बट फिर भी मैंने जो किया उससे आपको मॉनिटरी लॉस हुआ है, हेल्थ का लॉस हुआ है, कंफर्ट का लॉस हुआ है, तो मैं टॉट के अंदर आपके खिलाफ कार्यवाही कर सकता हूं। ठीक है, सो देखिए क्या लिखा है, हाउएवर द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया डज नॉट अप्लाई टू टॉट्स, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज अंडर टॉट। सो अगर आपने कोई कांड किया, कोई काम किया, ठीक है, जो क्या है, जो टॉट है, तो आपके ऊपर कितने प्रकार की लाइबिलिटीज आ सकती हैं, आपको क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है, या फिर लाइबिलिटीज क्या क्या है आपकी, आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है, अगर आपने टॉट किया, टॉट करने के बाद आपको कौन कौन सी चीजें भुगतनी पड़ेगी। तो सबसे पहला लाइबिलिटी जो है, द वेरी फर्स्ट लाइबिलिटी इज व्हाट,
अगर आपने किसी प्रकार का टॉर्ट किया है तो सबसे पहली टाइप की जो लाइबिलिटी आपको बेयर करनी पड़ेगी, दैट इज विच लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। सो अगर आपने टॉर्ट किया है, इफ यू हैव कमिटेड अ टॉर्ट, तो सबसे पहली लाइबिलिटी जो आपके ऊपर, सबसे पहली जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है वो आती है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। और हमेशा याद रखिए, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में, हमेशा याद रखिए, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट मतलब जिसके खिलाफ हम कोर्ट गए, वो तब भी जिम्मेदार होगा जब उसकी नियत खराब नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, टॉर्ट में लाइबिलिटीज कौन सी आती है, सबसे पहली जो लाइबिलिटी है वो कौन सी लाइबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आप तब भी जिम्मेदार होंगे, आप तब भी लायबल होंगे जब आपकी नियत खराब ना हो, मतलब आपकी नियत एकदम अच्छी है, बट अच्छी नियत में भी आपने एक सिविल रॉन्ग कर दिया, आपने टॉर्ट कर दिया, तो भी आप क्या होंगे, लायबल होंगे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कब अराइज होती है, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बेसिकली अराइज होती है तीन केस में, पहला इनएविटेबल एक्सीडेंट, दूसरा इनएविटेबल मिस्टेक्स, और तीसरा है विकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कितने केसेस में अराइज होगी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो कुल मिलाकर तीन केसेस में अराइज होगी, पहला है इनएविटेबल एक्सीडेंट, दूसरा है इनएविटेबल मिस्टेक, और तीसरा है विकेरियस लाइबिलिटी। नाउ अब बच्चों, सबसे पहला मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। सो व्हेन अ पर्सन स्टोर्स एनी आर्टिकल इन एक्सेस क्वांटिटी, ध्यान से देखिए, इनएविटेबल एक्सीडेंट कब होगा, जब कोई व्यक्ति किसी आर्टिकल को, किसी किसी चीज को, किसी वस्तु को कौन सी क्वांटिटी में स्टोर करता है, एक्सेस क्वांटिटी में स्टोर करता है, और वो आर्टिकल, वो वस्तु क्या हो जाती है, वहां से एस्केप हो जाती है, और वो वस्तु वहां से क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, मतलब जो चीज आपने अपनी जमीन में, जो चीज आपने अपनी प्रॉपर्टी में क्या रखी थी, एक्सेस क्वांटिटी में रखी थी, वो चीज आपकी प्रॉपर्टी से एस्केप हो जाती, बाहर निकल जाती है, और उसके चलते आसपास के लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है, उसके चलते क्या होता है बच्चों, आसपास के लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है, आसपास की प्रॉपर्टीज को नुकसान होता है, तो इसको हम बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट अगर हुआ है तो कौन लायबल है, ओनर लायबल है। हमेशा याद रखिए, अगर इनएविटेबल एक्सीडेंट हुआ है तो लायबल कौन है, ओनर। ओनर मतलब उस जगह का मालिक, जिस जगह पे किसी आर्टिकल को एक्सेस क्वांटिटी में स्टोर किया गया था, ठीक है। चलिए अब मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अब इसमें आप सबको पता है रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर, ये केस है। नाउ अब रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या हुआ था, बहुत सिंपल सा केस है। एक फैक्ट्री थी या एक मिल थी, समझ लीजिए फैक्ट्री मान लीजिए, ठीक है। सो मान लीजिए इट वाज अ फैक्ट्री, ये पूरी फैक्ट्री थी, ठीक है। फैक्ट्री में एक छोटा सा उनको क्या बनाना था, रिजर्वायर बनाना था, कुंड बनाना था, पानी का एक टंकी बनाना, मान लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब टंकी बनाने के लिए क्या किया गया, खुदाई किया गया, अच्छा नीचे तक खोदा। अब जब खुदाई किया गया तो बच्चों क्या हुआ कि जमीन के नीचे, मतलब जब खुदाई किया गया तो बहुत सारे शाफ्ट थे, शाफ्ट पता है आपको, ऐसे इस टाइप के पाइप होते हैं, थोड़े से कर्व वाले पाइप होते हैं,
और ये सब जो शाफ्ट थे ना, ये मिट्टी से कवर्ड थे। किससे कवर्ड थे? ये मिट्टी से कवर्ड थे। तो जब खोदा गया, अच्छा ये सब पूरी खुदाई कौन कर रहा था? फैक्ट्री का मालिक नहीं करता, फैक्ट्री के मालिक ने ठेकेदार एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया था। तो फैक्ट्री के मालिक को तो इस चीज का इल्म भी नहीं था कि क्या चल रहा है। उसने तो बस ये बोला ठेकेदार को, ये 50 लाख रुपए पकड़, मेरे को रिजर्वायर बना के दे। तब वो बेचारा रिजर्वायर बनाने की खुदाई की, और ये जो शाफ्ट थे तो खुदाई की, तो ये जितने भी शाफ्ट थे प्लास्टिक के शाफ्ट होंगे, ये ऊपर आ गए पानी के। और क्या हुआ बच्चों? पानी, अब ये शाफ्ट ऐसे रखे थे, मान लो ये ऐसे रखे थे शाफ्ट, तो अब क्या हुआ? शाफ्ट ऊपर आ गए। ऊपर आने का क्या हुआ? पानी इन शाफ्ट के जरिए कहां पे चला गया? यहां पे बेचारा एक गरीब का कोल माइंस था, उस कोल माइंस में पूरा रिजर्वायर का पानी चला गया। अब वो बेचारा गरीब, मतलब वो बेचारा जो कोल माइंस वाला था, वो तो परेशान हो गया। अरे बाप रे, क्या हो गया? ये पानी कैसे भर गया मेरी माइंस में? कल रात तक तो सब यहां पे बराबर था। तो बच्चों कोल माइंस वाला बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि पूरा पानी भर गया, वो माइनिंग कैसे करे, कोल कैसे निकालेगा, पानी हटाना पड़ेगा। तो बच्चों इस केस में ऐसा माना गया, मतलब इस केस में ये भी पता चला कि जो रिजर्वायर था उसमें जो पानी था वो एक्सेस क्वांटिटी में स्टोर किया गया था। मतलब जितना रिजर्वायर का कैपेसिटी था उससे ज्यादा पानी रिजर्वायर में स्टोर किया गया था, ठीक है। अब इसके चलते नुकसान किसको हुआ? सो भाई अब ये जो कोल ओनर था, ये कोड गया, कोल माइंस का जो ओनर था ये कोड गया। इसने बोला कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा कांड हुआ है। अच्छा एक और चीज जो मैं आपको बोल रहा था कि यहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला केस है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमेशा ओनर कौन, हमेशा जिम्मेदार कौन होगा? ओनर वुड बी ऑलवेज लायबल, ठीक है। सो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर वाले केस में तीन चार चीजें। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया गया था, नंबर टू रिजर्वायर बनाया गया, नंबर थ्री रिजर्वायर की जब खुदाई की गई तो कुछ शाफ्ट थे जो मोल्ड होते हैं वो ऊपर आ गए, पानी थोड़ा सा एक्सेस में था तो बगल वाले बंदे के माइंस में चला गया। उसने केस फाइल किया कि उसके साथ टॉर्ट हुआ, उसने जुर्माना मांगा, उसने बेसिकली कॉम्पनसेशन मांगा, डैमेजेस क्लेम किए। तो क्या कोर्ट ने उसको डैमेजेस दिए? यस। अब जो ओनर था ना, ओनर ने क्या बोला? भाई कॉन्ट्रैक्टर देगा, जो भी कॉम्पनसेशन है डैमेज है वो कौन देगा? कॉन्ट्रैक्टर देगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब कोर्ट ने रिलायंस वर्सेस फ्लेचर वाले केस में कोर्ट ने क्या बोला? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्यों है? कोर्ट दो कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहला, आपने किसी क्वांटिटी को क्या किया था? एक्सेस में स्टोर किया था किसी आर्टिकल को। और दूसरा, वो चीज वहां से क्या हुई? एस्केप हुई। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो केस किसके अंदर आता है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर लायबल कौन होगा? ओनर। भले ही आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था, मुझे नहीं पता, आप कॉन्ट्रैक्टर से बाद में पैसे ले लेना, बट उस कोल माइन के बंदे को, कोल माइन का बंदा प्लेंटिव बन गया ना, क्योंकि वो कोर्ट गया था, कोर्ट जो बंदा जाता है वो प्लेंटिव बन जाता है। कोल माइन के ओनर को कॉम्पनसेशन डैमेजेस कौन पे करेगा? कौन पे करेगा बच्चों? ओनर पे करेगा। ओनर बाद में कॉन्ट्रैक्टर से जो करना करे, बट हमको नहीं पता। बट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस में कॉम्पनसेशन देने की जिम्मेदारी किसकी है? ओनर की है, ठीक है। अब ये जो ओनर था, उसने बोला कि साहब मेरी क्या गलती है, मैंने तो सिर्फ एकदम अच्छे से रिजर्वायर बनाया था, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो पूरे प्रिकॉशन लिए थे। नहीं, मेरी कोई गिल्ट इंटेंशन नहीं थी। तो हमने कहा कि टॉर्ट के केस में इंटेंशन वगैरह हम देखते कंसीडर करते नहीं है, मेंस रिया का जो प्रिंसिपल है वो टॉर्ट में एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एक और केस याद रखना, उसके बाद रीड वर्सेस लॉयड। रीड वर्सेस लॉयड वाले केस में भी एक ही चीज कही गई कि भैया अगर आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस एस्टैब्लिश करना है, अगर प्लेंटिफ को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस एस्टैब्लिश करना है, तो दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, एस्केप, मतलब बाहर निकलना, और दूसरा नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड का मतलब, अच्छा अगर किसी टैंक की कैपेसिटी 5 लीटर है, समझना मैं नेचुरल और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड का डिफरेंस बता दूं। अगर किसी मग्गे की, इस ग्लास की कैपेसिटी अगर 100 ml पानी है और इसमें मैं 100 ml पानी रखता हूं, तो ये नेचुरल यूज ऑफ ग्लास हो जाएगा। और अगर 100 ml के टैंक में मैं 500 ml पानी या 200 ml पानी डालता हूं, तो वो क्या है? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। इज दैट क्लियर? अब बच्चों ध्यान से देखिए, डज द रूल एस्टैब्लिश्ड इन रिलायंस वर्सेस फ्लेचर अप्लाइज इन इंडिया? बच्चों बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर केस में जो रूल्स बने थे, दो रूल्स बने थे,
एक्सेस क्वांटिटी प्लस उस एक्सेस क्वांटिटी का क्या होना, एस्केप होना। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आ जाएगी और ओनर लायबल होगा। क्या सेम रूल इंडिया में भी अप्लाई होता है? तो बच्चों ये इस टाइप का केस आया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये बहुत 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 पॉपुलर केस है। इस केस में बेसिकली ये पूछा गया कि क्या रिलायंस वर्सेस फ्लेचर वाला जो केस है उसके आधार पे इंडिया में डिसीजन दिया जा सकता है। हाँ, एमसी मेहता वाले केस में क्या हुआ था बच्चों, गैस लीक का केस था ये। ठीक है, तो एमसी मेहता नाम के आदमी का एक गैस प्लांट था या केमिकल प्लांट था। उस केमिकल प्लांट में, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, गैस ओलियम गैस, कोई गैस होती है ओलियम गैस, स्टोर करने की कैपेसिटी थी 500 लीटर, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, सो ध्यान देखिएगा बच्चों, क्या रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के जो प्रिंसिपल हैं क्या अपने यहां पे भी एप्लीकेबल होते हैं, इंडिया में भी एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर तो फॉरेन केस है। तो ओलियम गैस इन्होंने स्टोर किया था एमसी मेहता की कंपनी ने। ठीक है, कैपेसिटी कितनी थी प्लांट की, कैपेसिटी कितनी थी, कितनी गैस स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी थी, 500 लीटर। एमसी मेहता ने कितना लीटर गैस स्टोर किया था, 500 लीटर गैस ही स्टोर किया था। मतलब यहां पे एक्सेस क्वांटिटी स्टोर्ड नहीं थी। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में क्या बोला है, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के रूल कब एप्लीकेबल होंगे, जब एक्सेस क्वांटिटी में स्टोर होगा। लेकिन इन्होंने एक्सेस क्वांटिटी में स्टोर नहीं किया था, जितनी कैपेसिटी थी उतना ही स्टोर किया था। और ये जितनी कैपेसिटी गैस थी बच्चों, इनकी ओलियम गैस इनके प्लांट से क्या हुई, लीक हुई और आसपास क्या पहुंचाई, इस गैस ने बहुत नुकसान पहुंचाई, जहरीली गैस है बच्चों ओलियम गैस। तो अगेन जितने अब यहां पे इंटेंशन तो खराब नहीं थी, एमसी मेहता ने जानबूझ के तो गैस लीक नहीं करवाई थी, तो यहां पे टॉर्ट आ गया। क्या आ गया, टॉर्ट आ गया। अब कोर्ट में केस चला तो एमसी मेहता जो थे ओनर थे, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, हाथ खड़े कर लिए, बोले मैं तो लायबल नहीं हूं क्योंकि मैंने रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का अगर केस लगाओ तो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का बात है, जब क्वांटिटी, जब कोई सामान एक्सेस में स्टोर किया गया हो और एस्केप किया गया हो वो सामान, मैंने तो कोई सामान जो है, और भाई साहब मैंने कोई सामान जो है ना वो एक्सेस में तो स्टोर किया ही नहीं है, नहीं किया नहीं किया नहीं किया नहीं किया नहीं किया। ओके, सामान तो मैंने एक्सेस में स्टोर नहीं किया, 500 लीटर कैपेसिटी थी, मैंने 500 लीटर स्टोर किया। तो एमसी मेहता के वकील ने कहा कि भाई रिलायंस वर्सेस फ्लेचर वाला केस यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाड़ में जाए, ए भाड़ में जाए, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर क्या बोलता है, मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ए मैं जो करेगा मैं अपना जुरिसप्रूडेंस खुद बनाएगा, मैं कब तक डिपेंडेंट रहेगा, वो साले यूएस वाले जो बोलेंगे मैं वो फॉलो करूंगा, यूके वाले जो बोलेंगे मैं फॉलो करूंगा, हाँ ए आपको नहीं सुनेगा किसी की, अपन अपना जुरिसप्रूडेंस बनाएगा, अपन अपना डिसीजन देगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्ट कर दिया, डिपार्ट कर दिया मतलब एक अलग फैसला सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई क्वांटिटी एक्सेस क्वांटिटी में स्टोर्ड ना हो, फिर भी वो अगर क्या हो जाए, एस्केप हो जाए और उससे लोगों को नुकसान हो, तो भी ओनर लायबल है। तो इंडिया में काफी स्ट्रिक्ट व्यू दिया गया, इंडिया में क्या कहा गया, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर से डिपार्ट कर दिया गया कि अगर चीजें एक्सेस क्वांटिटी में स्टोर्ड नहीं है, चीजें अगर एक्सेस क्वांटिटी में स्टोर्ड नहीं है, वो भी एस्केप होती है और उससे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो भी ओनर लायबल होगा। इज दैट क्लियर? आई बिलीव एवरीवन इज क्लियर। कौन सा कंसेप्ट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट से। इज एवरीवन क्लियर बच्चों, सबको क्लियर है? यस, चलो आगे बढ़ जाएं। तो तीन केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है, या स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी तीन केस में होती है। पहला इनएविटेबल एक्सीडेंट्स, दूसरा है इनएविटेबल मिस्टेक्स। इनएविटेबल मिस्टेक्स में भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल होती है। बहुत छोटा सा ही यहां पे हमने लिखा है, बेसिकली डिफेमेशन के केस और ट्रेसपासिंग के केस। जब एक व्यक्ति, इनएविटेबल मिस्टेक कब होती है, जब एक व्यक्ति गलत तरीके से किसी दूसरे इंसान की इज्जत, किसी दूसरे इंसान की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है, या फिर किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाता है, तो इसको हम बोलते हैं इनएविटेबल मिस्टेक्स। ठीक है, सो बेसिकली आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल पहले जब सीएम नहीं था तो वो एक बहुत पागलपन करता था। क्या करता था,
आता था एक लिस्ट लेके कि भाई मेरे हिसाब से नितिन गडकरी भ्रष्ट है, मेरे हिसाब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भ्रष्ट है, मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है। ये बेवकूफी करता था केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल का फैन हूं बट ये बेवकूफी करता था वो। तो बच्चों ये सब लोगों ने क्या किया, बच्चों नितिन गडकरी बोलता कि भाई मैं तो ईमानदार आदमी हूं। नितिन गडकरी ने क्या किया, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, फिर वो पंजाब के एक मजिंदर सिंह सिरसा करके एक पॉलिटिशियन है, इन तीनों ने मिलकर केजरीवाल के अगेंस्ट केस किया, मुकदमा किया कि साले तूने हम तू कुछ भी बोलेगा हमको करप्ट बोलते हैं, ठीक है। और इन तीनों ने केजरीवाल के अगेंस्ट मुकदमा किया बच्चों, और इनमें से अरुण जेटली के खिलाफ जो मुकदमा किया था उसके का उसमें तो केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, हालांकि अरुण जेटली ने क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल किया था, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ आपकी इज्जत के साथ आपकी रेपुटेशन के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको इनएविटेबल मिस्टेक माना जा सकता है। तो इनएविटेबल मतलब डिफेमेशन में आपके पास दो चॉइस रहती है, या तो आप टॉर्ट में कॉम्पनसेशन मांग सकते हो या फिर आप इंडियन पिनल कोड के अंदर भी केस फाइल कर सकते हो। तो बेसिकली तो जब कोई इंसान या फिर कोई बंदा मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर आके कब्जा कर लेता है, कोई मेरी बंदा मेरी गलत तरीके से मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर आके कब्जा करता है तो भी मैं क्या कर सकता हूं, तो भी मैं टॉर्ट का मुकदमा उसके खिलाफ दायर कर सकता हूं। तो कोर्ट क्या करता है, सुना होगा तुमने कि इस बंदे ने उसके अगेंस्ट 1 करोड़ का डिफेमेशन का केस फाइल किया है। 1 करोड़ का डिफेमेशन मतलब उसने मेरे खिलाफ टॉर्ट का मुकदमा फाइल किया और वो कितने का कॉम्पनसेशन मांग रहा है, कितने के डैमेजेस मांग रहा है, 1 करोड़ के, ठीक है। तो इनएविटेबल मिस्टेक्स प्रॉपर्टी और रेपुटेशन, आपकी प्रॉपर्टी और आपकी रेपुटेशन के साथ जब कोई छेड़छाड़ करता है तो दैट अमाउंट्स टू इनएविटेबल मिस्टेक, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, विकेरियस लाइबिलिटी। तो बच्चों स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी 3 केस में आती है। पहला केस क्या था, इनएविटेबल एक्सीडेंट। दूसरा केस क्या था, इनएविटेबल मिस्टेक्स, जब कोई व्यक्ति आपकी रेपुटेशन के साथ आपके मान को आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए या आपकी प्रॉपर्टी के साथ इंटरफेरेंस करे, आपकी प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती घुस जाए, तो आप इनएविटेबल मिस्टेक के अंदर आप उसके अगेंस्ट टॉर्ट का मुकदमा फाइल कर सकते हो, कोर्ट उसको हटवा देगा या कोर्ट आपको डैमेजेस दिलवाएगा। और तीसरा होता है विकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है बच्चों। ये वाला पॉइंट यहां पे गलती से प्रिंट हुआ है, खाना खाया किसी ने पर बिल भरेगा, पर बिल भरना है आपको। चलिए क्या लिखा है, कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, The person who acts through any other is responsible for the acts of such person. Vicarious liability का मतलब होता है liability for the acts of others. Vicarious liability का मतलब होता है liability for acts of others. बचपन में मैं क्रिकेट खेल रहा था और इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच था, जिम्बाब्वे जीत गई थी, ग्रांट फ्लावर नाम के बंदे ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी जिम्बाब्वे के साइड से। तो मैं अपने दोस्त को सुबह सुबह बोल रहा था कि देख मैं क्या करूंगा, ग्रांट फ्लावर जैसा बैटिंग करूंगा स्कूल में, हाँ क्लासरूम में पीछे जब अपने बेंचेस खत्म होते हैं। तो मैंने बोला देख ग्रांट फ्लावर ने कल छक्का कैसे मारा, मैंने ऐसे किया जो दीवार थी जो कांच लगा हुआ था क्लास में वो पूरा कांच फूट गया, टोटल बिल आया 6,000 रुपए। गलती मैंने की थी साहिब, और साहिब गलती मैंने की थी, बट ये 6,000 रुपए भरे किसने और कौन भरेगा जी, और मेरे पिताजी ने भरे। उस समय तो मेरे पिताजी की सैलरी भी 6,000 रुपए थी महीने की, तो मेरे पिताजी ने हर महीने फीस के साथ 500 रुपए एक्स्ट्रा भरे। बेचारे मेरे पिताजी का तो फुकट में कट गया। गलती मैंने की थी बट लाइबिलिटी किसको बियर करनी पड़ी, टॉट किया था ना, इट वाज अ टॉट, अनइंटेंशनली मैंने कांच फोड़ दिया था स्कूल का, तो टॉट मैंने किया था बट गलती किसका, परिणाम किसको, खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, मेरे पिताजी को। तो दैट इज विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी मतलब आपके थ्रू जो काम करता है, मतलब सॉरी आप जिसके थ्रू काम करते हैं उसकी हरकतों के लिए आप लायबल हैं। तो विकेरियस लायबिलिटी का एक और मतलब होता है लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। सो विकेरियस लायबिलिटी का एक और मतलब होता है क्या, लायबिलिटी विच अराइजेस, जो कैसे अराइज होती है, रिलेशनशिप के जरिए। सो ये लाइबिलिटी तो मतलब आपका किसी और के साथ रिलेशन है, कांड उसने किया लेकिन आपका उसके साथ रिलेशन है, तो आप भी फंस जाओगे, आप भी नप जाओगे। सो लेट्स सी, प्रिंसिपल और एजेंट, अगर टॉर्ट एजेंट ने किया है क्या उस टॉर्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल है, यस टॉर्ट अगर एजेंट ने किया है तो उस टॉर्ट के लिए प्रिंसिपल भी लायबल है। ये केस है लॉयड वर्सेस ग्रेट्स स्मिथ एंड
कंपनी कुछ नहीं बच्चों, फर्म का एक एम्प्लॉय था, ठीक है, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने पैसा लिया और भाग गया, तो इसके लिए लायबल कौन होगा? क्या इसके लिए कंपनी का ओनर लायबल होगा? यस, क्योंकि कांड किसने किया है? हमारे एम्प्लॉय ने। तो हमारा एम्प्लॉय जब पैसे एक्सेप्ट करता था हमारे बिहाफ पे, तो वो हमारा क्या था? एजेंट था। पार्टनर, एक पार्टनर ने टॉर्ट किया तो क्या दूसरा पार्टनर लायबल है? ओ या, एक पार्टनर ने अगर टॉर्ट किया तो दूसरा पार्टनर लायबल है, यस, ठीक है। एक पार्टनर ने, अब यहां पे एक केस है, एक पार्टनर, मैं और सपान सर हम दो पार्टनर हैं, मैंने सरकार के एक ऑफिसर को घूस खिलाया, रिश्वत दिया, सरकार के एक ऑफिसर को रिश्वत दिया, रिश्वत देना अपराध है आपको पता है, मैंने रिश्वत दिया है, ठीक है, सरकार के एक ऑफिसर को मैंने रिश्वत दिया कि हमारी आईकेएन एकेडमी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ठीक है, मैं रिश्वत देते फंस गया, पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया, या मैं फंस गया रिश्वत देते, तो टॉर्ट मैंने किया है, रिश्वत देना मान लो अगर टॉर्ट के केस में हमने डाल दिया, मैंने रिश्वत दी है, फंसा मैं हूं, तो क्या सुपान सर भी लायबल है? यस, एक पार्टनर हमेशा लायबल है दूसरे पार्टनर के द्वारा किए गए टॉर्ट को, टॉर्ट। आईकेएन एकेडमी की एक कार है, आईकेएन एकेडमी कार में चला रहा था, उस कार से मैंने एक एक्सीडेंट कर दिया, कार आईकेएन एकेडमी की है, कार से मैं आईकेएन एकेडमी का काम करने जा रहा था, मैं पार्टनर हूं, मैंने एक्सीडेंट किया, क्या सुपान सर भी लायबल है? यस। मास्टर एंड सर्वेंट, नौकर के द्वारा किए गए टॉर्ट के लिए मालिक जिम्मेदार है, करेक्ट है। मेरा ड्राइवर कार चला रहा है, मेरे ड्राइवर ने कार चला चलाते एक एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट किसने किया? ड्राइवर ने, बट क्या जिस बंदे का एक्सीडेंट किया उसका इलाज करवाने के मेरे को खर्चा करना पड़ेगा? यस। नंबर वन, ड्राइवर अपनी अथॉरिटी के बाहर काम करता है, अगर मान लीजिए अगर आपका एम्प्लॉय आपकी एम्प्लॉय को आपने जितना बोला, मैंने एम्प्लॉय को बोला कि एम्प्लॉय 60 की स्पीड से, मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि 60 की स्पीड से ज्यादा मत चलाना गाड़ी, ठीक है, 60 की स्पीड से ज्यादा मत चलाना, मेरा जो ड्राइवर है बच्चों वो चला रहा है 80 की स्पीड में, मेरे ड्राइवर कितने की स्पीड में चला रहा है? 80 की स्पीड में, मतलब वो क्या कर रहा है? अब मैंने जो उसको अथॉरिटी दी है वो उसको फॉलो कर रहा है, उसको अथॉरिटी को तोड़ रहा है, अथॉरिटी को एक्सीड कर रहा है, ठीक है, और उसने एक्सीडेंट कर दी, गाड़ी भिड़ा दी, क्या मैं लायबल हूं? यस, अगर ड्राइवर ये प्रूफ कर दे कि वो स्पीड से गाड़ी चला रहा था, किसके फायदे के लिए? अपने मास्टर के फायदे के लिए, अपने एम्प्लॉयर के फायदे के लिए, तो भी मैं लायबल हूं, मतलब मैं और ड्राइवर जॉइंटली लायबल है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अगर सर्वेंट गलती करता है तो सर्वेंट की गलती के लिए मास्टर भी लायबल है। एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, हमेशा रखिए, ओनर प्लस कॉन्ट्रैक्टर, कोई काम करने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्टर हमने हायर किया है, सॉरी अगर किसी काम को करने के लिए, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए हमने किसको हायर किया है? अगर हमने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है, ठीक है, तो क्या, और कॉन्ट्रैक्टर अगर क्या कर दे, टॉर्ट कर दे, कॉन्ट्रैक्टर अगर क्या कर दे, उस काम को करते करते क्या कर दे, टॉर्ट कर दे, तो क्या ओनर लायबल है? बच्चों अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला जनरल रूल, नॉर्मली क्या माना जाता है? नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर ओनर प्रूफ कर दे, अगर ओनर प्रूफ कर दे कि कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते वक्त ओनर ने काफी सावधानी बरती थी, काफी केयर और काफी प्रिकॉशन लेके सोच समझ के कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था, तो हमेशा याद रखना ओनर इज नॉट लायबल, ठीक है, समझा बच्चे? समझना, तुम कुछ उल्टा मत सोचना। जनरल रूल क्या है? नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि अगर ओनर प्रूफ कर दे, कौन प्रूफ कर दे? अगर ओनर प्रूफ कर दे कि कॉन्ट्रैक्टर को उसने बहुत केयरफुली अपॉइंट किया था,
बहुत ही केयरफुली मैंने किसको अपॉइंट किया था, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया था, बहुत सोच समझ के मैंने कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया था। मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी कार का ब्रेक खराब हो गया, ठीक है, तो मेरी कार का ब्रेक खराब हो गया, तो मैं एक बहुत अच्छे मारुति के शोरूम में गया और मारुति के शोरूम में, मेरे पास मारुति कार है, मारुति के शोरूम में जाके मैंने कार का ब्रेक रिपेयर करवाया, ठीक है। तो मतलब जब मैं मारुति की कार खराब हुई और उसको मारुति के शोरूम में लेके गया और मारुति के शोरूम में मैंने काम करवाया, तो बच्चों कहना इसे मैं काफी केयरफुल था, तो मैं ओनर हो गया, मारुति के शोरूम वाले क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, क्योंकि मैंने उनके थ्रू काम करवाया, उनको पैसे दे दिए। बच्चों मैं शोरूम के बाहर निकला और मैंने गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में चलाई और आगे एक आंटी आ रही थी, मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक लगा ही नहीं, ब्रेक डिड नॉट वर्क, और मैं स्पीड मतलब जितनी रोड के अंदर स्पीड लिमिट थी मैंने उसी स्पीड में था, लेकिन ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगा ही नहीं, और इसके कारण बेचारी आंटी का टांग टूट गया, आंटी हॉस्पिटल में एडमिट है। नाउ ओनर लायबल है या कॉन्ट्रैक्टर लायबल है? ओनर मैं हूं, कॉन्ट्रैक्टर मारुति सर्विस स्टेशन है। मैंने तो मारुति सर्विस स्टेशन को बहुत ध्यान से सुना था, सोच समझ के सुना था। इस केस में कोर्ट बोलता है बच्चों, इस केस में कोर्ट बोलता है, इस केस में कोर्ट बोलता है, इस केस में लॉ मानता है कि हु इज लायबल, इस केस में कॉन्ट्रैक्टर लायबल है, मारुति शोरूम की लायबिलिटी आएगी, नॉट माइन। सो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर का चयन कॉन्ट्रैक्टर को देख समझ के देख परख के हायर किया गया था तो ओनर इज नॉट लायबल। लेकिन 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 स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में, हमेशा याद रखना, एक्सेप्शन बता रहा हूं, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में हमेशा कौन लायबल होगा? ओनर लायबल होगा। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जनरल रूल क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर लायबल है अपने कांड के लिए, अगर ओनर ने सावधानी से कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया तो ओनर लायबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर लायबल है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस में ओनर लायबल है। उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्टर क्या है, लापरवाह है, और ओनर जो है कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही को इग्नोर कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, ओनर भी उसको अपना काम सही तरीके से करने के लिए बोल नहीं रहा है, तो भी कौन लायबल है? तो भी ओनर लायबल है। और अगर टॉर्ट करने की परमिशन ओनर को, ओनर ने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि हाँ भाई टॉर्ट कर दे, हाँ तू टॉर्ट कर, तू बिंदास कांड कर, कोई दिक्कत नहीं है। सो जनरल रूल क्या है? कॉन्ट्रैक्टर लायबल होता है टॉर्ट के लिए, ओनर लायबल नहीं होता। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, अगर ओनर ने ही कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि तू टॉर्ट कर दे, या फिर कॉन्ट्रैक्टर बहुत नेग्लिजेंट है, कॉन्ट्रैक्टर लापरवाह है और ओनर उसको ठीक कर सकता है बट ओनर भी उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, तो भी ओनर लायबल। तो ये तीन केसेस में ओनर लायबल है। इज दैट क्लियर? चलिए, कुछ केसेस हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ अब बच्चे इसमें एक चीज याद रखिए, जो अगला डिस्कशन है, विकेरियस लायबिलिटी। ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स। ये ध्यान से सुनिए, मतलब बच्चे इसका मतलब समझिए, मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी तो टॉर्ट कर देते ना। आप देखते होंगे रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, अब रेलवे एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे एक्सीडेंट किसने किया है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने किया ना, ट्रेन तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय चला था, उसने ट्रेन को पटरी से उतार दिया, ठीक है। तो बच्चों अगर टॉर्ट कौन करे, अगर टॉर्ट कौन करे, अगर टॉर्ट कौन करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर टॉर्ट करे तो क्या गवर्नमेंट लायबल है? तो इसमें दो चीजें याद रखना, इंडिया और यूके, दो मैंने अलग अलग कंट्रीज बताई हैं यहां पे। यूके में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय टॉर्ट करता है तो वहां पे गवर्नमेंट इज लायबल। मेरा एक फ्रेंड रहता है यूके में, वो बताता है कि यूके में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था बट जो करोड़पति बन गए हैं सिर्फ गवर्नमेंट की गलती के चलते। छोटा सा एग्जांपल, यूके की कहानी है, आपका कोई अगर दोस्त हो कानून वाला तो आप समझना, एक भिखारी रोड पर बैठ के भीख मांग रहा था, गिटार बजा के भीख मांग रहा था, ठीक है। अब वो बेचारा भीख मांग रहा था, उसके बगल में जहां वो भीख मांगता था उसके बगल में एक पाइप था, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखते ना पानी के पाइप होते हैं, क्या ड्रेनेज का पाइपलाइन का पाइप था, ठीक है। अब वो बेचारा गिटार बजा रहा था,
अचानक से क्या हुआ, पानी का इतना प्रेशर आया कि वो पाइप, वो जो जो सीवर लाइन थी उसका जो ढक्कन था, वो ढक्कन इतना प्रेशर आया कि वो ढक्कन ऊपर से आ गया, मतलब पानी का प्रेशर इतना था ऊपर से आ गया और इसके ऊपर गिरा, किसके ऊपर, जो भिखारी भीख मांग रहा था, और उसको कंधे पे चोट लगी। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और फिर तो भाई साहब उसके पास वकीलों की लाइन लग गई कि गवर्नमेंट से क्लेम कर, तू करोड़पति बनेगा। और बच्चे उसने गवर्नमेंट में केस, गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया कि गवर्नमेंट लापरवाह है, गवर्नमेंट ने, ये जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है क्योंकि पानी बाहर आया ना, एक्सेस और एस्केप। बच्चों उसको कितने का कॉम्पनसेशन मिला होगा, जस्ट गेस। उसने बोला मेरी जान चली जाती, मेरे को नर्वस शॉक हुआ है, मैं मेंटली पागल हो गया हूं, ये सदमा मैं झेल नहीं पाऊंगा। उसको 25 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन मिला। किसने दिया? यूके की गवर्नमेंट ने। सो यूके इतनी अच्छी कंट्री है कि वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी गलती करते हैं विकेरियसली, लाइबिलिटी गलती किसने की है? एम्प्लॉय ने, बट उसके लिए लाइबल कौन होता है? उसके लिए लाइबल होती है सरकार। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है भैया। इंडिया में तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के सरकार लाइबल होने लगे तो सरकार तो बर्बाद हो जाएगी, नंगी हो जाएगी बच्चों। सो इंडिया में सरकार विकेरियसली लायबल नहीं है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय टॉर्ट करते हैं अपनी सॉवरियन ड्यूटी निभाते वक्त। यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है, यूके में डायरेक्टली गवर्नमेंट लायबल है, बट इंडिया में अगर सॉवरेन ड्यूटी, सरकारी ड्यूटी डिस्चार्ज करते टाइम क्या होता है, कोई टॉर्ट होता है, तो गवर्नमेंट लायबल नहीं है। रेलवे एक्सीडेंट, गवर्नमेंट नॉट लायबल, क्योंकि रेलवे सॉवरेन ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन ऐसा मानते थे हम। लेकिन बच्चों हाँ, अब बोलोगे सर रेलवे, चलिए थोड़ा सा मैं यहां पर और क्लैरिटी दे दूं। तो एक चीज याद रखिए, इंडिया में स्टैंड क्या है कि अगर सॉवरेन ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त अगर कोई टॉर्ट होता है, अगर कोई क्या होता है, टॉर्ट होता है, तो गवर्नमेंट नॉट लायबल, ठीक है। जैसे रेलवे एक्सीडेंट हो गया तो अब वो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि रेलवे भी जो है, रेलवे ट्रेन चलाना इज अ सॉवरेन ड्यूटी, तो उसके केस में अगर हमने कोई टॉर्ट कर दिया तो वी आर नॉट लायबल टू पे कॉम्पनसेशन। लेकिन आप हमेशा देखते हो कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है तो हमेशा ऐसा नहीं जाता ना, जी हाँ श्वेता, आज मैं सुबह सुबह इस जगह पे आया और यहाँ पर मैंने देखा कि एक भयंकर रेलवे हादसा हुआ है। इस हादसे की जानकारी प्रशासन को मिल चुकी है और प्रशासन के आला अधिकारी ने मौके पर विजिट की है और यहाँ पर हमें लग रहा है कि काफी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और हमारे माननीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने मरने वालों को 10 लाख का मुआवजा और घायलों को 6 लाख का मुआवजा और उनके रिश्तेदारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। अब ये जो मुआवजा है ये मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है, वो तो रेलवे अपनी तरफ से दे रही है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। बट यूके में देयर इज अ लॉ कि अगर ऐसा कांड होता है तो इतने का कॉम्पनसेशन बनता है, इज दैट क्लियर? तो इंडिया में अगर स्टैट्यूटरी ड्यूटी डिस्चार्ज करते टाइम कोई भी टॉर्ट होता है, गवर्नमेंट नॉट लायबल। यूके में इट इज ऑलवेज विकेरियसली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। चलिए आगे आ जाएंगे। नाउ एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब नीचे लिखे हुए केसेस में ओनर लायबल नहीं होगा, ठीक है। सो बच्चों नीचे लिखे हुए एक टाइम पे या नीचे लिखी हुई सिचुएशंस में अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो जाए या एब्सोल्यूट इनएविटेबल एक्सीडेंट हो जाए, इनएविटेबल मिस्टेक हो जाए, तो ओनर लायबल नहीं होगा। पहला क्या है? नेचुरल यूज ऑफ लैंड। सो अगर नेचुरल यूज ऑफ लैंड करते वक्त, नेचुरल यूज ऑफ लैंड मतलब मैंने बताया कि अगर इस टैंक की कैपेसिटी 5 लीटर है और अगर आपने इसमें 5 ही लीटर पानी रखा हुआ है, जमीन पे अगर खेती हो सकती है तो आप खेती ही कर रहे हैं, जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर आप घर बना रहे हो, गवर्नमेंट ने आपको 5 फ्लोर का घर बनाने की परमिशन दी है, आप 5 ही फ्लोर का घर बना रहे हो, गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड जो है घर बनाने के, आप वो सारे स्टैंडर्ड क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। जमीन पे आप पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, जमीन पे आप रोड्स बना रहे हो सरकार की परमिशन लेके जहां पे रोड बना सकते हैं, ये सब क्या है? नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। तो नेचुरल यूज ऑफ लैंड अगर आप कर रहे हो
और इससे इससे क्या हो रहा है बच्चों, इससे किसी प्रकार का क्या हो रहा है, टॉर्ट हो रहा है। मैंने एक पेड़ लगाया, बहुत बड़ा पेड़ लगाया, पेड़ पे नारियल था और नारियल किसी के सर के ऊपर जाके गिर पड़ा। तो बच्चों इट ऑल्सो अमाउंट टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अब उसमें अब वो केसेस होंगे तो बात अलग है। मैंने एप्पल लगाया, मैंने पेड़ पे एप्पल लगाया, एप्पल गिरा किसी इंसान के सर पे, गिर गया मुंह पे गिर गया, दैट इज नेचुरल यूज ऑफ लैंड, इज नॉट क्लियर। तो नेचुरल यूज ऑफ लैंड करते समय अगर कोई टॉर्ट हो गया तो स्ट्रिक्ट ओनर लायबल नहीं है। हाँ, लेकिन एमसी मेहता वाले केस में क्या हुआ था, वो भी नेचुरल यूज ऑफ लैंड ही कर रहा था, जितनी कैपेसिटी थी उतनी ही कैपेसिटी में स्टोर कर रहा था, बट वहां पे गैस जो थी, जो गैस स्टोर कर रहा था वो डेंजरस गैस थी, इसलिए डिसीजन कुछ और आया। दूसरा, कंसेंट ऑफ प्लेंटी वॉज टेकन। ठीक है, अगर मान लो मैं नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड भी कर रहा हूं, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड भी कर रहा हूं, लेकिन आसपास जितने लोग हैं उन सबसे मैंने परमिशन ले ली है कि भाई मैं नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहा हूं, तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं, और सब लोगों ने लिख के दिया कि नहीं नहीं आप बिल्कुल आप पानी को ना एक्सेस में स्टोर करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी देना पानी। तो इस केस में अगर वो पानी बह जाता है, पानी निकल जाता है और सब लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो ओनर लायबल नहीं है। ठीक है, इफ द टॉट टेक्स ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, डिफॉल्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। बच्चों मेरे फैक्ट्री में बहुत सारा पानी स्टोर्ड है, एक टेररिस्ट आता है और मेरी टंकी फोड़ देता है, थर्ड पार्टी मतलब ओनर की भी गलती नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर की भी गलती नहीं, गलती किसकी है, किसी थर्ड पार्टी की गलती है। ठीक है, तो फैक्ट्री मेरी थी, कॉन्ट्रैक्टर भी था, पानी भी स्टोर किया था, बट वो जो मेरी पानी की टंकी थी वो किसने फोड़ी, मैंने फोड़ी नहीं, किसी टेररिस्ट ने फोड़ी, तो इस केस में ओनर लायबल नहीं है। अगर टॉर्ट किसने किया, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सरकारी बॉडी ने, सरकारी संस्था ने टॉर्ट किया, कब, कानूनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते टाइम, तो सरकारी संस्था जिम्मेदार नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड, भूकंप आ गया और उसके बाद क्या है, प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। बच्चों प्लेंटिफ ओन डिफॉल्ट मतलब गलती किसकी है, प्लेंटिफ की ही गलती है, प्लेंटिफ मतलब शिकायत करता की ही गलती है, मतलब जो अग्रीव पार्टी, जो दुखी पार्टी है, जिसके साथ टॉर्ट हुआ है उसकी गलती के कारण टॉर्ट हुआ है। बच्चों मेरी फैक्ट्री थी, ये उसकी दीवार है, ये उसके बैक साइड का पोर्शन है, और बच्चों यहां पे सब लोग ना सुसु करते हैं, बच्चों इतना गंदा स्मेल आता है ना बच्चों, मैं पागल हो जाता हूं, इतनी गंदी स्मेल आती है। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत बार यहां पे लिखा कि सुसु मत करो, कोई मानने को तैयार नहीं है। मैंने यहां पे करंट लगा दिया 440 वोल्ट का, और इस पूरे दीवार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, बेटा सुसु मत करो, 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है यहां पे इस दीवार में। मुकेश आया, मुकेश बोलता है कि मेरे को तो सुसु लग रही, मैं तो करेगा यहां पे सुसु 400, ये करंट अरंट कुछ नहीं होता, ये सब मजाक कर रहे हैं, सुसु करना अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बिंदास करेंगे, खुल के करेंगे, भावनाओं के साथ करेंगे। और बच्चे उसने सुसु किया, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। बच्चे मुझे एक चीज बताइए, टॉट तो हुआ बच्चे, उसको नुकसान तो हुआ, बट क्या इसके लिए ओनर लायबल है, नहीं, क्योंकि उसकी गलती है, मैंने वार्निंग दी थी बट उसने वार्निंग को फॉलो नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, टॉट अगेंस्ट पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, जो अगला मेरा डिस्कशन है वो क्या है, ऐसे टॉट जो आपकी पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, बैटरी। बैटरी का मतलब क्या होता है, किसी इंसान को टच करना उसकी इच्छा के अगेंस्ट। ठीक है, किसी इंसान को फिजिकली टच करना, फिजिकली इंटरफेयर करना उसकी इच्छा के अगेंस्ट क्या कहला सकता है, टॉर्ट कहला सकता है। कोई मेरा स्टूडेंट आता है और बोलता है, यार मैं बहुत करोड़पति घर से हूं, प्लीज मुझे कोई टच मत करना, मैं बहुत छुई मुई हूं, मैं प्लीज मुझे टच मत करना, और उसकी इच्छा के अगेंस्ट अगर कोई उसको टच करता है, दैट कैन बी अ बैटरी, दैट कैन अमाउंट टू अ बैटरी। किसी इंसान को धक्का दे देना बैटरी होता है। किसी इंसान के बाल पे च्युइंगम फेंक देना, किसी इंसान के बाल पे च्युइंगम फेंक देना बैटरी। किसी इंसान के ऊपर थूक देना बैटरी। किसी इंसान के बाल काट देना उसकी इच्छा के बिना, उसके बाल काट देना, दैट इज अ बैटरी।
किसी इंसान की पिटाई कर देना उसकी इच्छा के अगेंस्ट, दैट इज अ बैटरी, इज दैट क्लियर? तो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल मेरा मतलब इच्छा के अगेंस्ट, ठीक है? तो ये हो गया बैटरी। बैटरी का मतलब होता है असॉल्ट। अब देखो बैटरी, बैटरी में क्या कर रहा था मैं आपको, कहीं ना कहीं मैं आपको टच कर रहा था, आपकी बॉडी के साथ में इंटरफेरेंस कर रहा था, ठीक है? भले ही मैं चिंगम फेंक रहा, चिंगम फेंकना भी टच ही कर रहा है, मतलब मैं ही चिंगम फेंक रहा हूं, मतलब मैं आपको चिंगम के थ्रू टच कर रहा हूं। असॉल्ट में क्या होता है, आप किसी को टच नहीं करते, बट सामने वाले व्यक्ति के मन में आप डर पैदा कर देते कि उसे टच किया जाएगा। अबे मुक्का दिखाना, तलवार, नंगी तलवार किसी के सामने रख देना, पेन, नुकीला पेन किसी के पेट में लगाना, दिखाना, मार डालूंगा साले, मार डालूंगा कुत्ते, क्या ये असॉल्ट है? डराना, धमकाना, मतलब सामने वाले को ऐसा दिखाना कि उसके अगेंस्ट फिजिकल एक्शन लिया जाएगा। मतलब कि ना इसे बैटरी के अंदर असॉल्ट शामिल होता है। मैंने आपको हाथ दिखाया, ऐसे हाथ दिखाया, असॉल्ट है, यहां तक हाथ लाया, यहां तक हाथ लाया, असॉल्ट ही है, टच कर दिया, क्या बन गया? बैटरी। बॉडीली हार्म, जब कोई, व्हेन इंजरी इज गिवन, बैटरी का ये एक पार्ट है, बैटरी से एक स्टेप आगे, जब कोई व्यक्ति आपको टच करता है और उसके टच करने से आपके शरीर को किसी प्रकार का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। सामने वाले मेरे को जोर से थप्पड़ मार दिया और मेरे यहाँ पे 5 उंगली का निशान बन गया, सामने वाले मेरे को नाखून से ऐसे कर दिया, क्या हो गया? ये बॉडीली हार्म, ये भी एक प्रकार का टॉर्ट है, मैंने जोर से कर दिया यार। फॉल्स इंप्रिजनमेंट, किसी इंसान को उसकी इच्छा के अगेंस्ट उसके मूवमेंट, उसके चलने, उसकी आजादी छीन लेना, उसकी लिबर्टी छीन लेना। जैसे मेरे स्टूडेंट लोग मुझे क्लास के अंदर बंद करके गए थे ना 2 दिन के लिए, दैट वाज फॉल्स इंप्रिजनमेंट। ये फॉल्स इंप्रिजनमेंट है। सही इंप्रिजनमेंट वो होती है जो सरकार, जो पुलिस वाले आपको जेल में डालते हैं कोर्ट की परमिशन से। फॉल्स इंप्रिजनमेंट मतलब किसी इंसान की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना, ये फॉल्स इंप्रिजनमेंट है, ये भी टॉर्ट है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, व्हाट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? बच्चों राजस्थान में मैंने, ये श्वेता बैठी है सामने, श्वेता को मैंने कहा, श्वेता कमीनी तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, फेल होगी। श्वेता घर गई, उसने अपनी दीदी को बताई, दीदी का नाम था श्वेतलाना। श्वेतलाना ने बोला, वो दुष्यंत कमीना तुझे ऐसा बोलता है? अब गया दुष्यंत काम से। श्वेतलाना ने पुलिस स्टेशन गई और दुष्यंत जैन के अगेंस्ट FIR कर दी कि दुष्यंत जैन ने अटेम्प्ट टू रेप किया मेरे साथ, ठीक है? कोर्ट, पुलिस वाले आए, मुझे अरेस्ट करके ले गए। श्वेतलाना क्या बन गई? प्लेंटिफ बन गई। दुष्यंत जैन क्या बन गया? डिफेंडेंट बन गया। कोर्ट में केस चला 5 साल, ठीक है? कोर्ट में केस कौन जीता? दुष्यंत जैन जीता, क्योंकि श्वेतलाना प्रूफ कर ही नहीं पाई कि अटेम्प्ट टू रेप हुआ है। लेकिन मुझे 5 साल तक, बच्चों मेंटल रूप से कितना परेशान रहा मैं, 5 साल तक मैंने केस लड़ा, 5 साल तक मेरा बिजनेस विजनेस सब ठप रहा, बच्चे आने ही नहीं वाले थे, तुम लोगों ने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मोमेंट चला दिया था, रेपिस टीचर और बॉयकॉट हिम, 5 साल मेरी जिंदगी पूरी तबाह कर दी झूठा केस बना के। तो बच्चों 5 साल जो मेरी जिंदगी के तबाह हुए, केस मैं जीत गया ना, जो आपने रेप का केस लगाया था वो मैं जीत गया, ठीक है? तो आपने जो मेरे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन की थी वो सही प्रोसिक्यूशन थी या मैलिशियस थी? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। क्या अब मैं आपके अगेंस्ट केस कर सकता हूँ, टॉर्ट का केस फाइल कर सकता हूँ, जो 5 साल में मेरा लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करने के लिए? यस, ठीक है। नर्वस शॉक, नर्वस शॉक में क्या होता है, कई बार आपने कुछ ऐसा देख लिया, आपने कुछ ऐसा सुन लिया, जिसके कारण आपको क्या बैठ गया? सदमा बैठ गया। बच्चों बच्चों आपको पता होगी, एक मूवी थी, अरे यार कौन सी मूवी थी, चलो एनाबेल मान लो एक मूवी थी। इस मूवी को देखने गई एक औरत, 63 इयर्स की थी। इस मूवी को देख के बच्चों उसको ऐसा शॉक बैठा कि वो हॉस्पिटल में 1 महीने तक एडमिट रही। उस औरत ने
उस औरत ने एनाबेली मूवी के प्रोड्यूसर से पैसे मांगे, क्लेम किया कि भाई मेरे को नर्वस शॉक हुआ तुम्हारी मूवी देख के। अमेरिकन कोर्ट ने यह कहा कि उस औरत को पैसे मिलने चाहिए बिकॉज नर्वस शॉक उसके साथ टॉर्ट हुआ। भले ही आपने वो मूवी दिखाई, आपने मूवी में कुछ ऐसा किया कि उस औरत को क्या हुआ, टॉर्ट हुआ। मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया था, वो लड़का जो AIR 1 आया था, मैंने उसको क्या बोला, तू फेल हो गया। और उसके तो कई बार बच्चों याद रखना, टॉर्ट सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मारने से टॉर्ट हो, कुछ बोलने से, कुछ डराने धमकाने से टॉर्ट हो। कई बार टॉर्ट ऐसा होता है ना, किसी इंसान को आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो आदमी सदमे में पहुंच जाए, तो भी टॉर्ट हो गया, वो आपके खिलाफ कोर्ट जा सकता है। ये केस देखो बच्चों, एक इंसान ने मजाक मजाक में बोला कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो औरत को सदमा लग गया। फिर उस औरत ने क्या किया, जिस आदमी ने उसका मजाक किया था उसके खिलाफ टॉर्ट का केस फाइल किया और वो जीती। डिफेमेशन, डिफेमेशन मतलब मानहानि, ये भी एक प्रकार का टॉर्ट है। कोई आपसे आपकी इज्जत को खराब करता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट संजना करके कोई हीरोइन है, संजना सिंघी जो दिल बेचारा की हीरोइन है, उसने भी मी टू मोमेंट्स लाया था और सुशांत सिंह राजपूत ने उसके अगेंस्ट क्या किया था, डिफेमेशन का केस फाइल किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो डिफेमेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिबेल, लिबेल इज परमानेंट फॉर्म जिसका रिकॉर्ड रहता है, और एक होता है स्लेंडर, स्लेंडर मतलब जिसको प्रूफ करना होता है। मैं और आप पर्सनली बात करें, मैंने आपको बहुत सारी गाली दी जिसके कारण आपको दिमाग खराब हुआ, लेकिन आपके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, तो ये होता है स्लेंडर। लिबेल, मैंने फेसबुक पे एक वीडियो बनाया और उसमें बकायदा आपको गाली दी, तो उसका रिकॉर्ड है, दैट इज लिबेल। ठीक है, चलिए रेमेडीज इन टॉर्ट। तो बच्चों मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि टॉर्ट में आपको क्या क्या रेमेडीज मिलती है। ठीक है, दो टाइप की रेमेडी होती है, पहला होता है जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी आपको कहां से मिलती है, जो रेमेडी आपको मिलती है, जिन रेमेडी को क्लेम करने की आपको जाना पड़ता है कोर्ट, उस रेमेडी को बोलते हैं जुडिशियल रेमेडी। जो रेमेडी आपको कोर्ट, जो रेमेडी क्लेम करने की आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। तो कोर्ट कौन सी रेमेडी देता है आपको, पहला कॉम्पनसेशन टू द अग्री पार्टी, करेक्ट है, आपने मेरे खिलाफ बुरा भला बोला, मैं आपके खिलाफ कोर्ट गया, कोर्ट ने मुझे 1,00,000 रुपए का कॉम्पनसेशन दिया, क्या है ये कॉम्पनसेशन। और दूसरा इंजंक्शन अगेंस्ट डिफेंडेंट, इंजंक्शन अगेंस्ट डिफेंडेंट मतलब जो डिफेंडेंट गलत काम कर रहा है उसको गलत काम करने से रोक देना। बच्चों मैं यहां पे रहता हूं, मैं यहां पे कोचिंग क्लास ले रहा हूं, मेरे बगल में एक दूसरे घर वाला है, दूसरा घर है बच्चों, वो रोज अपने घर पे इतनी म्यूजिक चलाता है, इतनी जोर से म्यूजिक चलाता है, न्यूसेंस क्रिएट करता है, हम लोग लेक्चर ले नहीं पाते, हम सब बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कोर्ट गए कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे बगल में, ये बंदा न्यूसेंस क्रिएट करता है, न्यूसेंस इज ऑल्सो अ टॉर्ट, हम परेशान हो गए। तो कोर्ट उसको, कोर्ट क्या करता है, इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब जो मस्ती करता है ना, कोर्ट उसके पिछवाड़े में एक इंजेक्शन लगाता है और उसको बोलता है आप दोबारा मत करना, इंजंक्शन का मतलब स्टे ऑर्डर। डिफेंडेंट मतलब जिसकी हमने शिकायत की, प्लेंटिफ मतलब जो शिकायत करने कोर्ट गया, तो डिफेंडेंट को कोर्ट कोई काम करने से क्या करता है, मना कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजंक्शन, कोर्ट स्टे लगा देता है कि तुम ऐसा काम मत करो क्योंकि इससे प्लेंटिफ क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, कोई आपको मारता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी मतलब जो आप खुद से क्लेम कर सकते हैं, मतलब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। पहला सेल्फ डिफेंस, कोई आपको मार रहा है तो आप क्या करोगे, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज 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 प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं, व्हाट एम आई डूइंग। कई बार मेरा ये जोश ना बहुत नुकसान करता है, सो व्हाट आई एम डूइंग, सेल्फ डिफेंस, क्या कर रहा हूं मैं, सेल्फ डिफेंस, ये करने की मुझे कोर्ट जाना है नहीं। ट्रेसपास, कोई मेरी जमीन पे कब्जा कर रहा है तो मैं क्या करता हूं, उसको मैं पीसफुल तरीके से बाहर निकाल सकता हूं कि भाई ये मेरी जमीन है, प्लीज बाहर निकल जाओ। डैमेज, डिस्ट्रेंस, डिस्ट्रेस, फीसेंट, जब किसी इंसान के मवेशी, डैमेज डिस्ट्रेस फीसेंट का मतलब बेसिकली ये होता है जब किसी इंसान के मवेशी क्या करते हैं, या ठीक है, नेक्स्ट इज डैमेज डिस्ट्रेस फीसेंट, किसी इंसान का कैटल, कैटल मतलब मवेशी, चैटल मतलब पर्सनल पोजेशन, किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी के चलते, मतलब मैं मानता हूं किसी दूसरे इंसान का जानवर, किसी दूसरे इंसान की भैंस, राम की भैंस, ठीक है, राम की भैंस आई मेरे घर पे, दरवाजा खुला था, वो अंदर घुस गई और मेरे घर पे जितनी भी सब्जियां, मेरे खेत में जितनी भी सब्जियां सब खा गई, किसकी भैंस, राम की भैंस। डैमेज डिस्ट्रेस फैसेंट,
मैं राम की भैंस को अपने कब्जे में रख सकता हूं। कब तक रख सकता हूं? बिना कोर्ट जाए, जब तक राम मुझे मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन ना दे दे। ठीक है, सो डैमेज डिस्ट्रेस फेसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी इंसान के पर्सनल पोजेशन, किसी इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी के चलते आपको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो आप उस पर्सनल प्रॉपर्टी को या उस मवेशी को अपने पास रख सकते हो जब तक आपके नुकसान की भरपाई ना हो जाए। स्टॉप, तीसरा है स्टॉपिंग द न्यूसेंस। स्टॉपिंग द न्यूसेंस मतलब पीसफुल तरीके से, सामने वाला बगल वाला आपके न्यूसेंस, बच्चो आज रात को 12 बज गए हैं, और बच्चे 12 बज गए हैं रात को और हम सब सोने का टाइम है, बच्चो मेरे घर के बगल वाला उसके यहाँ पे पार्टी चल रही है, सावन की बच्चों हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, रात को 12 बजे यार सुबह 4 बजे उठना, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, लाइव जाना है यूट्यूब पे अपने बच्चों के लिए। तो क्या पीसफुल तरीके से, मोस्ट शांतिपूर्वक तरीके से कि हम जाके उसका म्यूजिक सिस्टम बंद कर सकते हैं। हाँ, पिटाई होगी हमारी बाद में, बट लॉ बोलता है कि यस, आप पीसफुल तरीके से उनको बोल सकते हो कि अपना वॉल्यूम कम कर लो। तो ये सब एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है बच्चों। सो वी आर डन विद टॉट्स। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, होप ये लेक्चर आपको पसंद आया। हु लव यू सो मच।